सुनते हैं। आज मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं अलग बोल रहा हूँ। मैं फेंकम फांकी बहुत करता हूँ, लेकिन आज मैं तकरीर कर रहा हूँ का ये सुभान है। पिलाओ पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेरी तकरीर में चाय पियो, भात खाओ, जो जो करना है कर लो। हम वो मौलाना नहीं है कि डिस्टर्ब होता है। काहे डिस्टर्ब होगा? आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे। हम तो कहते हैं डायरेक्टर जाके उसको एकदम कैथलिक तुतुरवे मुंह हम लगा दीजिए, ताकि उधर से टुलू पेप की तरह टांते रहेगा। हमको कोई टेंशन नहीं, जग है तो एकदम मुंह में सटा दीजिए। हमको कोई डिस्टर्ब नहीं, जितना नहाना खाना घूमना घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ जाना है जाइए, हमको तकरीर करना है, नजराना लेना है, गाड़ी में बैठना है, हवा सुनना है, सुनिए नहीं सुनना जाइए। अब आपको कहेंगे आइए, जगह खाली है बैठिए, आपको नहीं सूझता है जगह खाली? हम कहेंगे बैठिए, आपको अपने से देखना चाहिए कहाँ क्या है। माशाल्लाह जल्दी जल्दी बैठ जाइए, बड़ा अच्छा बैठे हैं। हम उस पीर के नाम पे बैठे हैं जो सबसे बड़े पीर, पिराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वो इतने बड़े पीर थे कि ईशा में वजू करते उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ लिया करते थे। एक दो साल नहीं, दो पांच साल नहीं, बीस तीस साल नहीं, चालीस साल लगातार ईशा के वजू से फजर की नमाज गौसे आजम अदा करते रहे। 16 साल तक बड़े पीर गौसे आजम एक पांव में रात भर खड़े रह करके मुकम्मल तिलावते कुरान पाक क्या करते थे। आजम बड़े पीर जो 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखते थे, वो गौसे आजम जिनके दरबार में मगरिब में चोर बन के घुसा, फजर में वली बन के निकला, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। मुसलमानों, उलमा की बारगाह में बैठना तो जबान को संभाल लेना, और वली की दरबार में जाना तो दिल को संभाल लेना। दिल से दुआ करना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। सबसे बड़े पीर की बारगाह में आपने खराज अकीदत पेश के लिए माँ बहने बहु बेटियां भी बैठी है, एक दो खुराक इन लोगों को भी देना है, जरूरी है जरा, एकदम जरूरी है। आजकल हम लोग कसम खुदा की तकरीर करते 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 थक गए, और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं। जो के तू तकरीर हो गई, जलसा खत्म, सब पुले अपने घर। क्या कहा, क्या बोला, क्या सुना, कुछ नहीं अमल। ए लोगो, एक रात बैठना, एक तकरीर सुनना, जिंदगी बदलने के लिए आपकी जिंदगी में एक तकरीर काफी है। आप गौसे आजम के नाम पे जलसा सजाए, बड़ा अच्छा बैठे। माँ बहने चुप रही, चुप रहिए, चुप रहिए, थोड़ी सी चुप रहिए। औरतों को पढ़ाना जरूरी है, मर्दों से ज्यादा औरतों को पढ़ाइए। बेटी घर में है ना, तो बेटी को पढ़ाइए, और बड़े पढ़ाइए, और देखिए भी, चेक भी कीजिए, वरना मोबाइल लेके कॉलेज के नाम से निकलेगी, जाके कोर्ट में जाके हाजिरी दे करके उधर से कोर्ट मरीज करके घुसेगी। हो रहा है, अरे वाह, ये मोबाइल के चक्कर में बहुत बड़ा बहुत बर्बादी के कगार में लोग पहुंच गया। बेटियों को आंखों का सुरमा बना के रखना, बेटों को सीने से लगा के रखना, ताकि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद वहां भी कामयाब रहोगे। बेटी रहमत है आंखों में बसा के रखना, बेटा नेमत है सीने से लगा के रखना। बड़ा मॉडर्न दौर आ गया इलाके में, हम लोग नहीं देखते लड़का लोग जलसों में भी आके गेम खेलता है। शर्म होनी चाहिए उस माँ बाप को जो अपने बेटे को भेजने से पहले वसीयत कर ले, बेटा मोबाइल जलसों में मत बैठ के चलाना, बाबू सुनना क्या कहता है, ऑल यूट्यूब फेसबुक यहाँ से हट के उधर जाके देखे ना बेचारे।
अफसोस लगता है। फ्री फायर पॉप जिम पागल है पूरी मोहल्ला लड़का, किताब पोथी गायब है, हाथ में मोबाइल है। क्या करोगे जलसे में बैठ करके? रात रात भर तेरा बेटा हाथ में मोबाइल लेके गेम पर जिंदगी गुजारने वालों, तुम उस फिलिस्तीन के निहत्ते मासूम बच्चों को दे जिनके सर पे माँ बाप का साया उठ चुका है खुले आसमान के नीचे, टुक टुकी बान कर देखता है काश कोई मदद करने वाला होता। जब इसराइल के वो बम और पिस्तौल और वहां के मिसाइल जब गरजता है, छोटे नन्हे मासूम सहम जाते हैं, लेकिन वाह उन माँ को सलाम, अरे जिस माँ ने ऐसा ऐसा बेटा पैदा किया है, अरे मेरा बेटा तो दुनियादार के नाम पे पागल है, फिलिस्तीन का बच्चा हमदे मुख्तार के नाम पे दीवाना। इसलिए उन फिलिस्तीन के निहत्तों को याद करो। वो यहूदी चाहता है कि गजा में चंद मुसलमानों को मारने से इस्लाम मिट जाएगा, ये उनकी भूल है। चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमानों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद को यूएपीए कानून लगा के जिंदगी भर जेल में गुलामी करने पे मजबूर करने से इस्लाम नहीं मिटता, मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता, अजान पे पाबंदी देने से इस्लाम नहीं मिटता, कुरान की प्रतियों को सड़कों पे जलाने से इस्लाम नहीं मिटता। अगर इस्लाम मिटना होता, करबला में 22,000 फौज खा पी के एक तरफ यजीदी खड़ा था, 72 एक तरफ भूखे प्यासे थे, लेकिन दुनिया वालों ने देखा कि जिसने जुल्म किया उनका नाम करबला में मिट गया, और जिसने सबर किया हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, ला कुरान न बदला जाएगा। कि इतनी अच्छी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लोग उठ रहा है, उठना चाहिए। सब तकरीर में लोग सब नात लोग पढ़ता है, शायर लोग ले 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 होता शायर पढ़ेगा दे देगा, मुकर्रर को दू ताकि मुकर्रर दुआ देता है, या अल्लाह जिसने 20 का नोट दिया मौला 12 महीना उम्र में बरकत दे दो। ये शायर लोग दुआ नहीं देगा, क्योंकि वो लोग दुआ देगा तर्ज में भूल जाएगा, इसलिए वो लोग सुर में खींचता है और हम लोग खींचते कम है। हम लोग चचा आपका नाम क्या है? हफीजुद्दीन अंसारी। कितना सुंदर सुहाना ब्यूटीफुल खूबसूरत नाम है, या अल्लाह नाम की बरकत हो, अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में 10 गुना बरकत अता फरमाए। अले कुटुम एगो बात बोलियो तोहर गांव दोस्त क्या गाछ हो की कुटुम खाली 10 टके तोरी हम लोग 25 टके ने पकल फरिल बन बे गल के 10 टके ने फरो तोर का खाली 10 टके में फरो 50 टके ने हमरी ने तोर ले का। अरे माशाल्लाह कर घर गछा हो सुभान अल्लाह, तोरे घर कुटुंब तोरी दियो गटा घर आ कहिए सुभान अल्लाह। ये सब मोहब्बत है क्या है? पैसा नहीं मोहब्बत है। अगर पैसा होता तो मुझको जाके रूम में दे बैठे थे बहुत देर से, यहाँ आए तो यहाँ दे देते, लेकिन कुर्सी में बैठे दे देते नहीं। अल्लाह व रसूल के नाम को सुने दिल में असर हुआ, मौलाना आप इतनी अच्छी बात बोल गए, मेरे तरह से आप अल्लाह व रसूल के नाम पे इनाम ले लीजिए, कहिए सुभान। तो इनाम लेना ये सहाबा का सुन्नत है, अरे इनाम लेना रसूल पाक की सुन्नत है। रसूल की सुन्नत अदा करते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। अब वो लोग दुगवा रहा है, कहां जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। अच्छा बढ़िया, हम लोग सोचे इनाम देने आ रहा दौड़ते हुए, बहुत अच्छा बढ़िया, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अरे ए कुटुम थोड़ा सा आने दीजिए हो, आपका नाम हफीजुद्दीन अंसारी। कितना नाम है? हफीजुद्दीन अंसारी, वरना एक जगह पूछ लिए थे हम नाम, बोले चचा आपका नाम क्या है? दुमका तरफ उधर पाकुड़ तरफ गए थे, बुढ़वा सिन्हा तान के कहा गोबरा मिया। हम बोले चचा कोई दूसरा नाम है?
इसको बदल दीजिए, खराब लगता है सुनने में। बोला हाँ बदल दिए, जब आधार कार्ड बन रहा था तो गोबरा मियाँ हटा के बेंगा मियाँ कर दिए। हम बोले गोबरे ठीक है, बेंगा पोत के ऐसे 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 नाम लोग रखता है। लेकिन अल्लाह करे इनकी हफीजुद्दीन की उम्र में बरकतें आता फरमा। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। लोगों को से आजम के वो दरबार है निराला दरबार, जो जो भी कोई गया है खाली नहीं लौटा है। यही सब होता है, पार होना है उधर से आ जाना चाहिए। इधर से दंदना तैयार है, सोचे बस हो गया, लेकिन जाके बैठ गया, बढ़िया है। कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे आप लोग सुन रहे हैं, बड़ा बढ़िया सुन रहे हैं। मुझको एक घंटा तो हर हाल में बोलना होगा, एक घंटा बोलना होगा। क्या घंटा बोलना है? दो घंटा। जब मैं जवान था दो घंटा बोलता था, अब मैं जवान नहीं हूं। ये सब जो जीट जाट देखते हैं खाली जान के धक में, अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह वो रसूल का है करम, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, तीन को बूढ़ा दाएं से उठ के खड़ा। हमने बैठे चाचा बोल काहल बस वो जब जन्नत जेबिन करो वैसे किया तो तेरा दिया। हम बोले बैस चाचा बोल ना बस वो मौलाना साहेब तुहें कहो जन्नत ना जा बहुत वैसे की करो रात भर। और सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, और जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं होगा। रब का हुक्म होगा कल मैदाने महशर कायम होंगे, 50,000 साल का एक दिन होगा, हिसाबो किताब का सबों का दफ्तर खुलेगा, वहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक नेकियों के लिए लोग परेशान होगा, बाप बेटा से, बेटा बाप से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, बहन बहन से भागेगी, माँ बेटी से भागेगी, कोई सुनने वाला ना होगा। उस वक्त आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन में गुनहगार उम्मतियों को छुपने का मौका मिल जाएगा। और जो जन्नती होंगे फैसला होगा, जो जन्नती होगा सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए वलियों के दरबार में जो भी कोई जाता है खाली नहीं लौटता। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम के दरबार में तो आप 12 सुने होंगे, एक आदमी पहुंचा दावत देने के लिए, आप वो भी सुने होंगे। लेकिन सुनिए हमारे हिंदुस्तान के ख्वाजा गरीब नवाज, वली वली होते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखना नौजवानों, वली के दरबार में जाने से पहले माँ बाप से दुआ लेके निकलना। अगर तेरे घर में माँ बाप नाराज है और तुम अजमेर में एक पांच ट्रैक्टर एक ट्रक जाके चादर चढ़ा दो, अल्लाह के वली गरीब नवाज तुमसे खुश ना होगा। और अगर माँ बाप तेरे घर पे राजी होंगे, अजमेर की धरती पे कदम रखोगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा। सबसे बड़े पीर तेरे घर में माँ बाप है, माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना के कदम में नहीं है जन्नत। बाप जन्नत का दरवाजा है, इमाम साहब के कदम में नहीं है जन्नत, ना इमाम के कदम के नीचे जन्नत, ना मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत, ना हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत, ना पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत। नौजवानों जन्नत ढूंढना हो तू घर जाना, तेरी माँ बूढ़ी है, ज़ईफ़ा है, कमजोर है, तुम डॉक्टर है, मास्टर है, मौलाना मुफ्ती बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। जन्नत यहाँ वहां कहाँ ढूंढते हो, घर जा, माँ माँ होती है। लेकिन आजकल के नौजवान ये सब भाषा कहाँ समझेगा, नहीं समझता।
हमने देखा 45 साल की माँ को 20 साल जवान बेटे का कपड़ा धोते हुए। मैंने कहा आप कपड़ा धो रहे अपना बेटा? बोला हाँ मौलाना साहब, बहू नहीं ना आई है ना, इसलिए मैं अपने बेटे कपड़ा साफ करती। 50 साल की माँ अपने 25 साल 20 साल के बेटे कपड़ा धोते हुए मैंने देखा कपड़ा साफ करती। बेटा कहीं से आता, माँ खाना मेरा कहाँ है? बेटा वहाँ। माँ मेरी गंजी कहाँ है? बेटा वहाँ। मेरा कुर्ता वहाँ, मेरा जूता वहाँ। माँ बताते जाती, बेटा इस्तेमाल करते जाते, माँ 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 करते रहता है। लेकिन जो ही बेटा शादी हो गई और जहां घर में बहू घुसी, या अल्लाह, बहू आते 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 लड़का का दिमाग बदलने लगा। वो बहू काहे रहेगी? जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ ना कर सके। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। आपके गांव में नहीं भैया, माँ बने आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धवल। ये सब बात गोविंदपुर के ऊपर की है। आपके गांव में सब बहू बेटी दूध के धवल है। सब बेटा तो ऐसा नहीं होता है। अरे बहुत से बेटा वफादार है भाई, एक एक बेटा ऐसा है कि अपने माँ बाप को पानी खींच के देता है, माँ नहा लो बैठो बातचीत करता है। लेकिन बहुत कम, बहुत कम, लेकिन है भी अभी, अभी भी है, अभी भी है। वो लड़का नहीं देता जो बीवी पीछे पागल। बूढ़ी माँ बेचारी टुकटुकी बांध के दरवाजे में बैठी है, न टेबलेट न कैप्सूल न बढ़िया न दवाई न सिरप, चुपचाप बैठी है। दो चार बेटा बहू किसी का ख्याल नहीं। बाहर से घर आ रहा बेटा, माँ बूढ़ी के लिए कुछ नहीं ला रहा है, ना बाप के लिए लेके आ रहा है। जिस बाप ने तेरे लिए क्या नहीं किया, रोडों पे रात के तारीखों में कोला चलाया, रिक्शा चलाया, ईंट बनाया, रंग पोचड़ा, राजमिस्त्री, कहाँ 5 मंजिला बसों चढ़ करके काम करके तुझे खिलाया। आज तुम जवान हो गए हो, माँ बाप को भुला दिया। आज तुम भुला दिया, माँ बाप के लिए कुछ नहीं लेके आएगा। लेकिन जो ही घर घुसेगा पोलोथिन में छुपा के बीवी के लिए गुप चुप, कौन वाम बैठी चुपे चुप, बीवी के लिए गुप गुप चुप चुप, बैठले बैठले चुपे चुप। सासुर सामने 10 को गुपचुप खा गई, बहू पते नहीं चला। गुपचुप कैसे पता चलेगा, मुंह में लिया दबा दिया। बुढ़िया ससिया बैठले की खाए बहू, बोलना 10 को खा जाओ। लेकिन जहाँ बीवी के लिए लाते हो वहाँ बूढ़े माँ बाप के लिए आना। बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं, प्यारे आका की सुन्नत है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आज लग रहा है 1 घंटा ये लोग सुनेगा, पूरा 1 घंटा सुनेगा, नहीं मानेगा हमको लग रहा है, नहीं मानिएगा आप लोग। क्या सुहाना लग रहा है भाई, जलसा तो बहुत होता है भाई, अरे इसी तरह जलसा कीजिए, इससे ज्यादा बड़ा मत कीजिए, भी थोड़ा बड़ा होगी। सही बता रहा हूँ, 1 बजे नहीं जलसा, रात भर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 50,000-80,000 के मौलाना चक्कर मत रहिए कभी। बॉम्बे का मौलाना लाएंगे और गुजरात से लाएंगे, दिल्ली से लाएंगे, सब चक्कर छोड़िए। हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में एक से एक शायर मुखरीर है। कम पैसा में अच्छा जलसा होगा, बहू बेटी सब बैठ के सुन लेंगे। बड़ा जलसा करोगे मेहमान कुटुम्ब असर से घुसते घुसते फजर तक घुसिए रहा, कसम से खिलाते पिलाते पूरा खानदान को किया तबाह। उस बार खा पी के सब एकदम समझी जलसा ने सुन भो बोला मैं थक ही गेलियो ना है। सुबह पूछेगा समझी जलसा किर जमल लो, बोल तो है कहां मरल लो, बोल हमें थक गेलियो, बोल हमें भाग गेलियो, जलसा खत्म। सही बता रहे, अजीब हाल है। जलसे में आने वाले बहुत तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के लोग। हाँ तो वो तो था, खा पी लगा जलसा देख दाग लिया, कुटुम्ब सुन बोल मल घरे को ना आया, चल लिया। अजब अजब हाल है रे बाप। जलसा इसी तरह कीजिए और जलसों पे नजर रखिएगा। जब जलसा कीजिएगा कमेटी के 2-3 लड़का रोड पे चलिएगा। आज की नौजवान मारन कर जलसों में भी इसकी नीयत खराब होती है। दो चार लड़का
समझ गए ना, समझते बहुत ज्यादा। जलसों पर नजर रखिए, बेटियों पर नजर रखिए। जलसे में बहु बेटी आएंगे, रोड पे दौड़ेगा, जाके बैठो जहाँ औरतों की जगह तुम बैठो, मर्दों की जगह तुम बैठो, रोड सड़कों पे जलसे के बाहर नहीं। इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। जलसा जलसा होता है जहाँ मेला ठेला लगता है, भी इधर कहाँ मेला लगा था ना, मजार का मेला, मर्द कम जाते हैं औरतें ज्यादा जाते हैं। लोयाबाद में कहाँ लगा था, क्या जरूरत है, किस किताब में कौन मौला ने कहा औरतों को मजार जाना जायज है? औरतों को मजार जाना हराम है, नहीं जा सकती मजार। अगर मजार की ज़ियारत उस पर जायज होता तो जनाजे में औरतों को नहीं लेके जाते, ईदगाह नहीं लेके जाते, मस्जिद में पंच वक्त नहीं पढ़ने देते, लड़ाई के मैदान लेके नहीं जाते। तुम घर में अच्छी लगती हो, घर के अंदर रहना, तुम कनीज़े फातिमा बन के जीना, नस्लों में बच्चे होंगे गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी होगी कनीज़े फातिमा बन के पैदा। रात भर एक शोहर लेके चल दिया मेला, झुलवा झूल रहा है, और घर में आके कहेगा मैं गे हमारे कर्जी हवा पकड़ ले लो, रे वाह हमने तूफान कैन पकड़ा था। सुबह चर्चा करेगा माँ मैं झुलवा में झुल लियो, हमारे कर्जी हवा पकड़ ले लो, वाह अरे मुसलमान बहुत अच्छा सुन रहा है माशाल्लाह। इस राय मुआशरा पर तो गौसे आजम बड़े पीर के दरबार में एक आदमी पहुंचा, कहा हुजूर बड़े पीर मैं गरीब हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, कल दोपहर में मेरे घर में आपका खाना पक रहा है, आप मेरे घर की दावत कबूल कीजिए और मेरे घर के अंदर आप तशरीफ ले चलिए, मेरे घर हम मेरे दरवाजे पे मेरे घर में अगर आप बैठ के मेरे साथ खाना खाएंगे मेरी किस्मत का सितारा उरूज पे होगा। कहा जा हम तुम्हारी दावत को कबूल कर लिए, कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने उसकी दावत कबूल कर लिया, कहा जाओ दोबारे घर में दोपहर में जाके खाना खाएंगे। उसी टाइम फिर दूसरा आदमी आ गया, कहा हुजूर बड़े पीर दस्तगीर कल मेरे घर में आपकी दावत है, दोपहर में कबूल कीजिए। गौसे आजम ने कहा जाओ मैं तुम्हारी दुआ दावत को कबूल किया, कल तेरे घर में जाके खाना खाएंगे। तीसरा आया उसने भी दावत दिया, चौथा आया उसने भी दावत दिया, पांचवा आया उसने दावत दिया, 40 इसी तरह आते गए दावत देते गए, और गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर सबों की दावत को कबूल करते गए। बैक वक्त एक ही दिन एक ही समय में एक ही टाइम में गौसे आजम को 40 लोगों ने दावत दे दिया और बड़े पीर ने सबकी दावत को कबूल कर लिया। कहिए सुभान अल्लाह, एक ही टाइम में 40 आदमी के घर दावत, सबने कहा कि हजरत दोपहर में मेरे घर खाना बैठे के जाओ खाएंगे, जाओ खाएंगे, जाओ खाएंगे, सबों के घर हाजिरी हो गई। असर के टाइम में सभी लोग आकर के मस्जिद में घुसे, बगदाद की मस्जिद में आके नमाज पढ़ने के लिए आ गए, सभी आपस में गुफ्तगू कर रहे। एक आदमी ने कहा आज मेरी किस्मत का सितारा चमक गया। कहा क्या हुआ? कहा बड़े पीर मेरे घर दोपहर में मेरी दावत कबूल करके मेरे घर में आके बैठ के मेरे साथ खाना खाए, तो दूसरा जो बैठा था बगल में जो जिनके जाओ दावत दिया था वो जाके चुपचाप सोच रहा कितना बड़ा झूठा है, मस्जिद में झूठ बोल रहा है। गौसे आजम मेरे घर आए थे, ये कहता मेरे घर आए थे, कितना बड़ा झूठा है। दोनों बैठ के बोल रहा था, तीसरा आदमी खड़ा सुन रहा था कि दोनों झूठा एक ही जगह बैठे। गौसे आजम बड़े पीर मेरे घर आए थे, ये लोग दोनों कब कर मेरे घर। जब तीनों इसे बातें करने लगे चौथा आके सुन रहा है, देखो सब झूठा करके यही जमा हो रहा है। गौसे आजम मेरे घर आए थे, ये तीनों कहता है मेरे घर आया था, कितना बड़ा झूठ आके मस्जिद में बोलता है। चार आए पांच आए छह आए सात आए, सब आते गए कहते गए, आपस में तू तू मैं गुफ्तगू शुरू हो गई। ये कहता मेरे घर गौसे आजम दोपहर में आए थे, वो कहता मेरे घर आए थे, वो कहता मेरे घर आए थे, वो कहता मेरे घर आए थे। इतने में गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बड़े साहबजादे सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए। कहा आपस में गुफ्तगू किस बात की हो रही है? सबने कहा हुजूर आप ही फैसला कर दीजिए, आपके बाबा बड़े पीर गौसे आजम मेरे घर में दोपहर में खाना खाए लेकिन ये नहीं मानता। ये कहता मेरे घर आए, वो कहता मेरे घर आए, वो कहता मेरे घर आए। गौसे आजम के साहबजादे फरमाते सब लोग चुप हो जा, सब चुप हो जा, तुम लोग सब झूठ बोलता है, सब झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है।
गौसे आजम बड़े पीर तो मेरे बाबा, गौसे आजम दोनों बाप बेटा आज दोपहर में एक ही साथ बैठ के दोनों ने मिल के घर में ही बैठ के खाना खाए हैं। अब सबका माथा चकरा गया कि या अल्लाह गौसे आजम मेरे साथ खाए, मेरे साथ वो सोच रहा है मेरे साथ। जब इनके साहबजादे ने कह दिया दोनों बाप बेटा घर में खाए हैं तो ये हुआ क्या? इतने में गौसे आजम बड़े पीर मस्जिद के अंदर तशरीफ लाते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हो? एक ने हाथ पकड़ा, पांव पर पकड़ा, का हुजूर आप फैसला कर दें मेरे गरीब खाने में दोपहर में मेरे साथ खाना खाए, ये नहीं मानता। दूसरे ने पकड़ा, हुजूर आप मेरे घर में आए थे, वो नहीं मानता। तीसरे ने पकड़ा, का हुजूर मेरे घर में आप खाना मेरे साथ खाए, ये कहता मेरे साथ आया, ये कहता मेरे घर आए। गौसे आजम फरमाते तुम लोग चुपचाप हो जा, पहले एक लोटा पानी मेरे पास ला, पहले मैं वजू करूंगा, आगे बात मैं बताऊंगा। गौसे आजम फरमाते मैं पहले वजू करूंगा, बाद में बताऊंगा। गौसे आजम वजू करने लगे, मुकम्मल वजू कर लिए, थोड़ा पानी बच गया, थोड़ा उठने के बाद दो घूंट पी लिए, थोड़ा और बच गया। गौसे आजम जलाल में आ गए, वही लोटा का पानी उठाया और सामने एक दरख्त था, उसी दरख्त पे गौसे आजम ने बाकी बचा हुआ पानी छिड़क देता है। तमाम पत्तों पे गौसे आजम के छिड़के हुए पानी पड़ता है, सभी पत्तों में गौसे आजम का जलवा नजर आने लगता है। मेरे गौस फरमाते मेरे चाहने वालों सामने क्या है? का हुजूर सरापा आप खड़े हैं, का पत्तों में क्या देखते हो? का आपका जलवा है। तब गौसे आजम फरमाते सुनो, जब तेरा गौस बैक वक्त 40 बस तमाम दरख्तों के पत्तों में नजर आ सकता है, तो फिर 40 मुरीदों के घर में बैक वक्त क्यों नहीं जा सकता? ए मुसलमानों, जब गौस का ये आलम है तो रसूल पाक का आलम क्या होगा? इसलिए जिंदगी भर लोग दुआ करता, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे।